आप सबका बॉम्बीज ड्रीम्स में स्वागत है। और एक बार मेरे ब्लॉग में सबका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे हो। मैं भी अच्छी हूँ। मैं शाम से आज का ब्लॉग मैं 7:20 से शुरू कर रही हूँ। सुबह से मैं नहीं किया। और आज ना बाहर बहुत बारिश, पूरा दिन बारिश हुआ, पता है? इतना तेज बारिश था और अंधेरा, मतलब अभी शाम तक पूरा अंधेरा था और बारिश एकदम झमाझम बारिश। तो चाय बना के लेके आ गई और चाय के साथ एक चना को बॉयल करके रखी थी, ब्लैक वाला चना ऐसे, तो उसको मैं बॉयल करके रख दी थी। फिर थोड़ा सा तड़का लगा लिया। फ्राइडे ना कुछ ऐसा खाती नहीं हूँ, तो शाम को मतलब या कुछ चटपट दार नहीं खाती, सादा खाना खाती हूँ। तो चना को मैं बॉयल करके फिर ऐसे करी पत्ता, जीरा और सूखा मिर्ची का तड़का लगा के इसको फ्राई किया। अच्छा से चाय के साथ अच्छा लगता है। तो ये बना लिया और चाय बनाया। आ जाओ सब मेरे साथ चाय पियो। एक साथ चाय पियेंगे। और आज ना आप लोगों को एक चीज़ दिखाएंगे, थोड़ा अलग सा हट के। आप लोग खुश हो जाओगे देख के। तो मैं चाय पी लूँ फिर दिखाती हूँ। हाँ हाय फ्रेंड्स, आज आपको मैं एक चीज़ दिखाएंगे जो मैं मेरा बेटी दोनों मिलके डेकोर करके रखती हूँ हमेशा। जो मेरा पसंदीदा चीज़ है मैं उसी चीज़ को ही अच्छा से कैसे मैं रखती हूँ वो दिखाऊंगी। छोटा सा टीवी कैबिनेट का टूर, तो देखो मेरे साथ मेरा छोटा सा टीवी कैबिनेट को मैं कैसे डेकोर करके रखी हूँ। ये देखिए, मैं एक साइड से शुरू कर रही हूँ और इस साइड को दिखा रही हूँ। मैं एकदम नीचे मेरा सब फैमिलीज है, एक साइड में सास ससुर, एक साइड में मेरा मम्मी पापा और एक बस ऐसे करके रखी हूँ। ये सेकंड में मैं मेरा पूरा फैमिली, मैं मेरा हस्बैंड, हम दो, हमारे दो, मेरा लड़का लड़की, बहुत छोटा था तब का फोटो है दोनों का, एकदम छोटा। और ये देखो दो छोटे छोटे बैठे हैं, कितना सुंदर लग रहे हैं। और ए मेरा बेटी ने फिर बनाया। और इसमें तो एक मीरा है, दो बोटल्स मैं ऐसे करके रखी। और ये देखो कैसे गाड़ी है, एक इसका ना जीप निकल के आता है बाहर, ये देखो। इसका जीप आता है। ये तो मेरा ऐसे ही बना के रखे हैं, छोटे छोटे मिलता है ना बच्चों का खिलौना, उससे बनाया। और ये तो उस दिन दिखाया आप लोगों को कि कैसे डेकोर पीस अच्छा लगता है, दोनों को एक साथ रखी हूँ। और पीछे है राधा किशन जी। ये अभी आ गए हम फोर्थ फ्लोर में, तो फोर्थ में है पूरा एकदम जंगल जैसा। ऊपर है देखो लाफिंग बुद्धा इधर बैठा है और इधर शिव जी कितना आराम से बैठा है। और उधर सबसे फेवरेट मेरा उल्लू, जो तीनों एक साथ कितना फैमिली के तरह बैठा है। और ये देखो साइकिल वाला, ट्रिंग ट्रिंग, क्या चाहिए, कुछ चाहिए? नहीं, ऐसे ही बैठ गए, कुछ नहीं चाहिए। और ये मेरा सबसे ऊपर वाला है रैक, ऊपर फ्लोर है ये, जहाँ मेरा ससुर जी का मम्मी पापा है, सबसे मतलब पूजनीय है, जिसको हम लोग हर टाइम कहीं भी जाते हैं तो उनका आशीष लेके जाते हैं। तो वही मैं ऊपर, सबसे ऊपर रखती हूँ भगवान के तरह मैं मानती हूँ। स्वर्ग, ये हमारा स्वर्ग है, जैसे बोलते हैं स्वर्ग लोक,
तो मेरा बेटी ने बोला मम्मा ये हमारा स्वर्ग लोक है, जब पूरा भगवान इधर मैं रखती हूँ सजा के। तो मुझे बहुत पसंद है, सुबह सुबह उठ के मैं देखती हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना। तो यही मेरा है एक साइड का। इस साइड तो कंप्लीट हो गया और मेरा एक छोटा सा कैबिनेट में एक लाइब्रेरी भी है, जो एकदम छोटा सा लाइब्रेरी है। तो चलो दिखाते हैं मेरा लाइब्रेरी। ये देखो मेरा छोटा सा लाइब्रेरी जिसमें कुछ बुक्स है कलेक्ट कर किया हुआ, जो मेरे लड़का का बहुत पसंद है, वो पढ़ता रहता है, लड़का लड़की दोनों। तो छोटे छोटे बुक है, स्टोरी बुक है, और मेरा भी दो तीन बंगाली बुक है जो मैं पढ़ती हूँ, और बाकी दो बच्चों का बुक है। तो ऐसे करके दो मेडल है जो मेरे बेटी को मिला। तो ऐसे करके मैं इसको लाइब्रेरी बना के रखी हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मुझसे भी ज़्यादा मेरे बच्चे लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि हमेशा बोलता है एक बुक का जगह होना चाहिए स्टोरी बुक का। तो मैं ये ऐसे करके रखती हूँ। चलो अभी लाइब्रेरी बंद, अभी हम जाएंगे कंप्यूटर टेबल के पास, जो मेरा एक भोंदू बैठा रहता है हमेशा, कुछ कुछ इसको बहुत पसंद है बेटी को, तो ये हमेशा इधर रहता है, यहाँ पे मेरा कंप्यूटर रहता है, और ये निकल के मैं कुछ काम करती हूँ, एडिटिंग का व कुछ, बेटी का कुछ काम है पढ़ाई का। और नीचे तो आपको पता है कुछ ऐसे कंप्यूटर का रिलेटेड चीज रहता है, और नीचे सीपीयू वगैरह इसमें है। चलो अभी हम मेन पार्ट में चलते हैं, जब हम खाना खाने के टाइम थोड़ा देखते हैं, बाकी तो टाइम नहीं मिलता, खाना के टाइम जरूर देखते हैं। तो चलो उस साइड एंटेना, ये देखो ये है मेरा टीवी यूनिट, और ये देखो खाने खाने के टाइम थोड़ा सा देखते हैं, मेरा छोटा सा टीवी कैबिनेट जिसको मैं ऐसे रखी हूँ। दो मिट्टी का डॉल है जिसको कलर भी कर सकती हूँ, जब फेड हो जाता है तब मैं ऐसे नॉर्मल कलर से कलर कर देती हूँ। और ये तो बुद्धा जी, गणपति बप्पा, और दो ये चाइनीज पंखे है शायद डेकोर के लिए। तो ये सब मेरे शौक है, कहीं कहीं छोटा छोटा चीज लेके आओ तो सजाओ घर को अच्छा लगता है, तो मैं ऐसे करके रखती हूँ। और नीचे में दो मिट्टी का ऐसे क्या बोरोसिल का होगा शायद, तो उसका मैं दो पुतला रखी हूँ जिसमें फ्लावर, ये मैं चेंज करती रहती हूँ, जब मेरा मन इसमें देख के थोड़ा ये लगता है ना तब मैं चेंज कर देती हूँ। तो अभी तो मैं फिलहाल ऐसे रखी हूँ। दो कैंडल स्टैंड जो दीपावली में सब लोग यूज करते हैं, मैं भी दीपावली में खरीदी थी, अभी यूज कर रही हूँ। और इस साइड में भी सेम, और ये मेरा टीवी, और ये देखो बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो, बुरा ना देखो, इसको देखो और इसी के तरह कोशिश करो होने का। तो ये देखो मेरा छोटा सा टीवी कैबिनेट कैसे लगा पक्का बताना, और इसका मैं एक नाइट लुक देंगे, मतलब रात को मैं कैसे दिखने में लगता है। तो चलो फ्रेंड्स दिखाती हूँ इसका नाइट लुक। देखो फ्रेंड्स नाइट के टाइम ऐसा लगता है मेरा टीवी कैबिनेट पूरा सुंदर, बुद्धा जी को भी कितना सुंदर लग रहा है, पूरा सुंदर लग रहा है, एकदम नीचे तक बहुत सुंदर लग रहा है देखने से एकदम। ये देखिए टोटल ओवरऑल लुक ऐसा आता है मेरा टीवी कैबिनेट का। देखो आज थोड़ा ना शाम को रेडी किया खुद को ही, कुछ नहीं, एक सूट पहनने के बाद थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लिया बस, कभी कभी थोड़ा सा चेंज लेना भी चाहिए घर में रहने से भी, मन ठीक करने के लिए। तो थोड़ा सा चेंज लिया आज, एक सूट पहनी और हल्का सा लिपस्टिक लगाई, तो लिपस्टिक लगाने से अच्छा लगता है थोड़ा सा। और इतना पसीना, मैं खाना बनाते बनाते पूरा पसीना हो गई, तो बहुत गर्मी, बाहर बारिश हो रही फिर भी इतना गर्मी, देखो आपको मतलब चश्मे के भी एकदम ये हो रहा है बहुत ज्यादा, एकदम देखो फॉग फॉग जैसा लग रहा है। तो चलो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं यहीं पे खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, और मेरे ब्लॉग को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना भूलना मत, सब्सक्राइब करो भर भर के सब सब्सक्राइब करना, और अच्छे से रहना, एंजॉय करना,
बाय, स्माइल और गुड नाइट। चलो बाय फ्रेंड्स, अच्छे से रहना। हाँ ठीक है, बाय।